हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस किए थे स्टैटिस्टिक्स के, राइट? मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाए स्टैटिस्टिक्स के मेरे पुराने वीडियोस के अंदर। आज मैं एक कुछ ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ, ये एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। बड़ा ही कॉमन टॉपिक मतलब ये टॉपिक आपको बहुत सारे लेवल पे देखने मिलेगा। अगर आप 11th गुजरात बोर्ड में, 11th सीबीएसई में, 11th आईएससी में है, हर जगह ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, बीकॉम लेवल पे है, तो भी ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सीएमए कर रहे हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो भी ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक एंड दैट्स द रीजन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ में हेल्प कर पाऊंगा इस टॉपिक के द्वारा, राइट? आज जो मैं टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, द नेम ऑफ टॉपिक इज सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ सबसे पहले समझते हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली द सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल डेटा, राइट? अब ये सेंट्रल ऑब्जर्वेशन मींस एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए केपेबल हो, उसे कहा जाता है सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। और मेन ऑब्जर्वेशन जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, कि अगर ये पूरे डेटा को हम एक नंबर दे दे या एक नाम दे दे, तो भैया पूरा डेटा पता चल सकता है, देन दैट पर्टिकुलर मेथड और दैट पर्टिकुलर मेजर इज टर्म्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगर बात करते हैं भैया डेटा रिप्रेजेंटेशन की, तो हम सेंट्रल टेंडेंसी को तीन मेथड से निकाल सकते हैं, तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। हम तीन तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही अपनी जगह बढ़िया है, तीनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। कौन सा कब कहां कैसे यूज करना है वो मैं सिखाऊंगा, आगे चलते रहते हैं, अपने अपने कैसे सीखेंगे वो सब मैं आपको यही बताऊंगा। बट आज ये वीडियो स्पेसिफिकली फर्स्ट टॉपिक के लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अबाउट मीन पढ़ने वाले हैं। बट देन टू, चलिए मैं आपको अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ में। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों टॉपिक के बारे में, राइट? हम डिस्कस तीनों ही करेंगे, बट पढ़ेंगे आज सिर्फ फर्स्ट के बारे में, राइट? बट मीन को सिम्बोलिकली कहा जाता है एक्स बार, मीन को सिम्बोलिकली कहा जाएगा एक्स बार। मीडियन को सिम्बोलिकली कहा जाता है कैपिटल एम, और मोड को सिंबॉलिकली कहा जाता है MO। कुछ कुछ बुक्स में इसको कैपिटल Z भी बोलते हैं, चलेगा, doesn't matters, right? चलेगा, बट ज्यादा बेहतर आपके लिए MO ही रहेगा। MO बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? सो मीन को एक्स बार, मीडियन को कैपिटल M एंड मोड को MO, ये तीन इनके सिंबॉलिक नाम है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं, बाकी दोनों के लिए आपको आगे वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मीन समझाने वाला हूं, क्योंकि मीन बड़ा ही डिटेल्ड टॉपिक है, मीन छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है मीन भी अपने आप में, राइट? आगे बढ़ेंगे मीन के अंदर। अब अगर मैं मीन की बात करूं, मीन बेसिकली तीन तरह के होते हैं, मीन तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम ए एम लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को हम जी एम लिखेंगे, और हार्मोनिक मीन को हम एच एम लिखेंगे, राइट? अगेन, अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर हैं, तो आपके पास खाली एक ही टॉपिक आने वाला है अरिथमेटिक मीन का, राइट? और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आपकी थोड़ी बहुत थियरी आएगी, ओके? प्लस साथ में कुछ हम समझ भी करेंगे इसके बेसिक्स। पर अगर आप सीए फाउंडेशन में है, तो आपके पास पूरा हार्मोनिक मीन भी आने वाला है, जिसको भी हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, कि हम देखते हैं इसको कितना डिटेल तक हम लेके जा सकते हैं, राइट? इनफ। सो हमारा सबसे पहला आज का मुद्दा, फिलहाल हम सिर्फ डिस्कस करने वाले फर्स्ट वन, दैट इज अरिथमेटिक मीन। मैंने कहा था ये तीनों मीन भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। आज हम फिलहाल अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट करने वाले हैं, कि अरिथमेटिक मीन कैसे क्या वर्कआउट करेंगे, राइट? अब अरिथमेटिक मीन की अगर हम बात करें, तो अरिथमेटिक मीन तीन तरह के डेटा में बनता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपको अरिथमेटिक मीन तो पूरा कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ साथ में अरिथमेटिक मीन में दो एडिशनल टॉपिक और आते हैं। पहला आता है वेटेड मीन और दूसरा आता है कंबाइंड मीन। पहला आएगा वेटेड मीन, दूसरा आएगा कंबाइंड मीन। ये दोनों टॉपिक भी अरिथमेटिक मीन के अंदर के ही टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक को हम भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में डिस्कस करेंगे, मे बी इन द कंटिन्यूड वीडियो। देखते हैं वीडियो कितना कहां तक हमको लेके जाता है, हम देखेंगे, राइट? इनफ। सो आपको अरिथमेटिक मीन के अंदर अरिथमेटिक मीन पूरा सीखना है, प्लस आपको वेटेड मीन सीखना है, प्लस आपको कंबाइंड मीन सीखना है, तो जाके आपका एक टॉपिक खत्म होगा। सो लंबा है बट बहुत मजेदार है, बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, आज के मेन डिस्कशन पे, दैट इज ऑल एंड ऑल अबाउट अरिथमेटिक मीन।
अरिथमेटिक मीन को अगर मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो मेरे को तीन लेवल पर अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करना पड़ता है। तीन तरह के डेटास में, डेटा हमारे पास बेसिकली तीन तरह के रहते हैं। सबसे पहला होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा किसे बोलेंगे? ऐसा डेटा जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एकदम बेसिक रॉ डेटा, राइट, जिसमें किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, उसे कहा जाता है अनग्रुप डेटा। दूसरा होता है डिस्क्रीट डेटा, जहां पे एक एक ऑब्जर्वेशन के सामने एक एक फ्रीक्वेंसी, आपका एक्स होगा 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी होगी 7 8 9 10, राइट। सो एक एक सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन के सामने सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी जब होती है उसे कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा। एंड लास्ट इज कंटीन्यूअस डेटा, जहां पे हमारे पास क्लास होती है और क्लासेस के सामने अगर फ्रीक्वेंसीज होगी तो उसे कहा जाता है कंटीन्यूअस। तो तीन तरह के डेटा हो गए। अब हर डेटा के तीन फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कुछ स्कूल्स, कुछ बुक्स शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन को एक ही मानती, चलेगा, गलत रहेगी तो भी चलेगा, राइट। बट मैं अच्छे से डिटेल में बताने के लिए तीनों के तीन बाइफोकेशंस करूंगा। सो इस तरह से टोटल कितने फॉर्मूलेस हो जाएंगे? डायरेक्ट के मतलब अनग्रुप के तीन, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डिस्क्रीट के भी तीन, कंटिन्यूस के भी तीन। देयर आर टोटली 9 फॉर्मूलास। ऑनेस्टली फॉर्मूले 9 नहीं है, एक जैसे ही है, सबके सब सेम है, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। बट देयर आर टोटली 9 फॉर्मूलास। टोटल फॉर्मूले कितने रहेंगे? 9। तो अब हमें ये 9 के 9 फॉर्मूलेस को करने की कोशिश करनी है। हमें 9 के 9 फॉर्मूलेस को इसी वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। मैंने फॉर्मूले आपके सामने सारे के सारे लिख दिए हैं, सब फॉर्मूले मोस्टली सेम है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहला फॉर्मूला, जहां पे एक्स बार का मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। देखो मैं पहले आपको एक मीन के बारे में एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन देता हूं। मीन कुछ नया नहीं है, मीन कुछ नया नहीं है, मीन इज जस्ट एन एवरेज। मीन खाली एक एवरेज है, कुछ भी नया नहीं है। एवरेज मतलब जो हमने बचपन में सीखा था, मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला याद दिलाता हूं। द फॉर्मूला फॉर एवरेज वॉज, एवरेज का हमारा फॉर्मूला हुआ करता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है भैया, ये हमने बचपन में सीखा था 7th 8th स्टैंडर्ड में। एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला था 7th 8th का। सर हमने 11th 12th में सीए फाउंडेशन में सीएस में ये इस फॉर्मूले का यूनिफॉर्म चेंज किया है, खाली फॉर्मूला अंदर वही है, वी आर ओनली चेंजिंग द यूनिफॉर्म। मेन क्रक्स जो होता है, मेन कोर जो होता है वो का वही है। देखो अब हम क्या करेंगे, हम एवरेज को बोल देंगे मीन। अब एवरेज बन जाएगा हमारा मीन, दैट इज एक्स बार। सम बन जाता है सिग्मा, ऑब्जर्वेशंस बन जाता है एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन जाता है एन। तो देखो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिजाइन चेंज हुई है। सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहां पे सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब दोनों बात तो सेम है, हमने खाली यूनिफॉर्म चेंज किया है। सो सच में मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको 7th 8th का ही सिखा रहा हूं, एवरेज जो अब बन गया है मीन। तो आपका पहला फॉर्मूला देखो वही है, आपका पहला फॉर्मूला है सिग्मा एक्स, उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला फॉर्मूला डन, सिंपल, डायरेक्ट मेथड अनग्रुप डेटा का। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में हमें अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। देयरफॉर हम क्या कर देंगे, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और वही स्टेप डेविएशन में पूरा का पूरा शॉर्टकट मेथड आएगा, खाली मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज कॉमन डिफरेंस हम कर देते हैं, राइट। सो ये बन गए आपके अनग्रुप के तीनों फॉर्मूले। डिस्क्रीट के फॉर्मूले सेम है, डिस्क्रीट के फॉर्मूले सेम है, जहां जहां एक्स है उसके बाजू में एफ लगा दो, जहां जहां डी है बाजू में एफ लगा दो। मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन था, अब कर दो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा डी अपॉन एन था, अब कर दो सिग्मा एफ डी अपॉन एन। मतलब आपको खाली हर जगह पे एफ लगाना है, यहां पे एफ लगाया, यहां पे एफ लगाया, यहां आपके एफ लगाया, बाकी ऊपर के सारे फॉर्मूले सेम है, नो चेंज इन द फॉर्मूलास, सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके सेम रहने वाले हैं, राइट। कंटीन्यूअस में भी सेम ही है, सम्स करते टाइम बहुत डिफरेंस आएगा, मैं आपको यहां थोड़ा बहुत बताऊंगा, यहां लिख के दे दूंगा आपको, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते डिस्क्रीट में, तो यहां पे n मतलब था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन गिनते थे, राइट, जबकि यहां पे n का मतलब होता है सिग्मा f, आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो यहां पे n, n का मतलब होगा सिग्मा f, यहां पे n में गिनने मत बैठना x को 1 2 3 4, नो, जो भी फ्रीक्वेंसीज आएगी सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना तो आपको सिग्मा f मिल जाएगा, राइट। और आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही वही होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी में क्या शो करेगी कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्स है 11, 11 के सामने आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5,
तो वो फाइव फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, वो फाइव फ्रीक्वेंसी कह रही है कि आपका 11 ऑब्जर्वेशन पांच बार रिपीट हुआ है, 11 11 11 11 11 फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी फाइव है। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन को प्लस करना नहीं है, हमें देखना कितने ऑब्जर्वेशन है, तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करो। तो आपका यहाँ पे सिग्मा एफ ही एन होता है। वही अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस के सारे फॉर्मूले सेम है, खाली आपका जो एक्स होता है वो बन जाता है मिड वैल्यू। यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्लासेस का मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वो आपका बन जाता है एक्स। तो यहाँ पे आप एम लिखो तो भी चलेगा, और यहाँ पे आप एक्स लिखोगे तो भी चलेगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे एक्स का मतलब हमेशा मिड वैल्यू होगा, आपको एक्स निकालने के लिए मिड वैल्यूज निकालना पड़ेगा, भूलना मत। x मतलब मिड वैल्यू होता है, फिर मिड वैल्यू निकाल लो वो बन जाएगा आपका x। फिर सेम वैसे ही करो जैसे आप डिस्क्रीट कर रहे हो, सेम टू सेम वैसे ही करो जैसे आप डिस्क्रीट कर रहे हो, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही करो जैसे आप डिस्क्रीट सीरीज को करते आ रहे हो। याद रहेगा सबको, बड़े इजी तरीके से मैंने आपको अभी तक सिर्फ 9 फॉर्मूले करवाए हैं, बट एक सिंपल सी बात है, खाली फॉर्मूले में मजा नहीं आता है। तो मैंने आपके लिए ये 9 के 9 फॉर्मूले के 9 सम्स भी ढूंढे हैं, राइट? और मैं वो 9 के 9 सम्स भी यहाँ आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि भैया एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फील लाइक वाओ सर मजा आ गया, पूरा मीन अपने को समझ में आ गया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मीन में मुझे नहीं आता है। बट मैं अभी भी बताऊंगा इस वीडियो की, एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, राइट? इसके बाद में एक मैं एडवांस वीडियो बताऊंगा जहां पे मैं आपको मीन के अच्छे वाले सम्स करवाने वाला हूँ, थोड़े भारी वाले, राइट? जैसे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो जाते हैं वो हम करेंगे, फिर वेटेड मीन कंबाइंड मीन होंगे वो हम करेंगे, छोटे मोटे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। सो पहले आप बेसिक सीख लो, उसके बाद में अपने एडवांस पे भी आगे जरूर जाएंगे, राइट? सो मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे पीछे लगे रहना एकदम आराम से, आई गारंटी यू कि आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा मेरे भरोसे, राइट? चलिए अब मैंने यहाँ पे देखो 1 से लेके 9 तक नंबर लगा रहा है, आपको दिख रहा होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये नंबर्स हैं नीचे दिए हुए सम्स के। सो 1 नंबर फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 नंबर फॉर्मूले के लिए सम नंबर 2, 3 नंबर फॉर्मूले के लिए सम नंबर 3। तो मैंने हर फॉर्मूले का एक सम नीचे आपको करवाने वाला हूं, ओके? सो वापस से रिवाइज करना हो तो ऊपर आ जाना भाई, 1 नंबर का क्या है ऊपर आ जाओ, वापस से देख लो, आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है? चलिए सो मैं आगे बढ़ रहा हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। अब सबसे पहले हम सम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। भैया ये सम नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, मैंने सॉल्व एग्जांपल्स आपके लिए करने वाला हूं। सबसे पहला मेरा टॉपिक है मुझे अनग्रुप डेटा के डायरेक्ट मेथड्स करना है, राइट? चलिए अब इसमें 2 तरह के यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं, कुछ होंगे सीबीएसई वाले जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कुछ होते हैं बाकी अदर बोर्ड्स और प्रोफेशनल एग्जाम्स वाले जिनके पास कैलकुलेटर फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल है। सीबीएसई वालों से स्टैट्स में गलती सिर्फ कैलकुलेशन की ही होती है, क्योंकि स्टैट्स में और कुछ गलती हो ही नहीं सकती। सो जो भी भैया सीबीएसई वाले मुझे सुन रहे हैं, ध्यान देना प्लीज, कैलकुलेशन करते टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन सम पे होना चाहिए, यहाँ वहां नहीं होना चाहिए। ऑलवेज एट द एंड ऑफ द एग्जाम अगर 10-15 मिनट बचे, डोंट बी ओवर स्मार्ट, जस्ट चेक योर टोटलिंग कैलकुलेशन वंस अगेन। और जिसके कैलकुलेटर है भैया, हाथों पे उंगलियों पे कंट्रोल रखना, राइट? जोश में मत आ जाना, धीरे धीरे करना, सम इजी रहेगा, राइट? अब ये क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस आपको तो करने आते होंगे, मैंने मेरे पास करके रखे हैं कैलकुलेशंस जिससे मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, राइट? सो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मेरा फॉर्मूला आने वाला है अनग्रुप डेटा का, ओके? अनग्रुप डेटा में हम सबसे पहले करें डायरेक्ट मेथड, हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, आपको लिखने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको लिखना होगा ऐसे दैट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है? मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं सिग्मा एक्स लिखूंगा। तो एक बार सारे के सारे वापस से लिखना, 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 15 और होल अपॉन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है? अब कैलकुलेटर लो अगर आपको अवेलेबल है तो, नहीं है तो आप हाथों से गिनो। टोटल आने वाला है इसका 121 अपॉन 10, आपका आंसर आ जाएगा 12.1। और मैं सजेस्ट करूंगा वापस से यहाँ पे लिखने का x बार, पूरा बॉक्स बनाने का, जिससे एग्जामिनर को आपके आंसर को ढूंढने में मेहनत नहीं लगे। अच्छा ये रहा, चलो डन, यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। दिस क्वेश्चन विल कैरी 2 to 3 मार्क्स ओनली, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स में भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, राइट? सो ये बेसिक हो गया सबसे पहला मेथड जहां पे कुछ नहीं करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे सेकेंड पे, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत सिंपल है यार, आराम से कर लोगे आप लोग। सेकेंड आ गया अनग्रुप डेटा का शॉर्टकट मेथड,
शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको एक्स आपकी बार पूरा का पूरा ढंग से लिखना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, राइट, आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और आपको निकालना है डी, आपको निकालना है डी। डी का मतलब मैंने कहा था डेविएशन, डिफरेंस बोलोगे तो भी चलेगा, डेविएशन इज बेटर वर्ड, राइट। सो डी का मतलब हो जाता है एक्स माइनस ए, आपको एक एक कोई भी वर्ड, कोई भी पर्टिकुलर नंबर आप चाहो तो ए अस्यूम कर लो। अब इसमें बहुत सारे डिस्कशंस और डिबेट्स होते हैं, कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इज इट नेसेसरी कि हम ए हमेशा एक्स के कॉलम में से ले, कोई नेसेसरी नहीं है सर, अगर हम बाहर से लेंगे हमारा आंसर आएगा कॉस आएगा, आप ए जो चाहो लो, 11 लो, 15 लो, 17 लो, 16 लो, 19 लो, 20 लो, सर आप ए अगर 1,00,000 भी लोगे ना तो भी आपका आंसर 100% आएगा, 100% आएगा। यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर नंबर एज योर अज्यूम्ड मीन, आपको जो अच्छा लगे ले लो, राइट। फिलहाल मैं आपको चीजों को सिंपल करने के लिए ए को ले रहा हूं 16, तो मैंने मेरा a ले लिया है 16, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मुझे x में से a माइनस करना, बच्चे बड़ी गड़बड़ी करते हैं a में से x माइनस करते हैं, नो, 16 में से 11 माइनस मत करना, 11 में से 16 करना, इससे माइनस प्लस के साइन में गलती होने के चांसेस कम हो सकते हैं अगर थोड़ा सा आप यहां पे अपनी समझदारी दिखाओ तो, राइट। सो आपको x में से a माइनस करना है तो इधर आ जाएगा माइनस 5, इधर आ जाएगा माइनस 1, इधर प्लस 1, इधर 0, इधर 3, देन 8 एंड देन 4, राइट right? हमारे पास माइनस आ गए हैं 6 और हमारे पास प्लस आ गए हैं 12, 15, 16 प्लस 16, अगर हम टोटल सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, जहां पे a था 16, सिग्मा d आ गया मेरा 10 और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n आ गया मेरा 7। इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर लगभग लगभग 17.43 आने वाला है, लगभग 0.42 समथिंग समथिंग या 0.43 समथिंग समथिंग होगा आंसर आपका, राइट। सो आपका आंसर यहां पे क्या रहने वाला है, 17.43। मैंने क्या किया है, मैंने पहले एक नंबर अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया 16, आप 17 करो, 20 करो, 50 करो, डोंट आस्क मी यूजलेस क्वेश्चंस, राइट, 100% आएगा। फिर भी नहीं आए तो सर एक काम करना, कमेंट में लिखना आपने क्या अज्यूम किया, मैं आपको उसका पूरा सॉल्व करके आपको अलग से भेजूंगा, क्योंकि आई एम 100% श्योर कुछ भी लो आंसर आना ही आना है, कुछ भी लो आप, राइट। सो हमने यहाँ पे अज्यूम किया a को 16, x में से a को माइनस किया पूरा का पूरा, फॉर्मूला पुट ऑन किया, आंसर निकाला, वेरी सिंपल वन, दिस इज माय सेकंड सम, सेकंड फॉर्मूला, अनग्रुप डेटा में शॉर्टकट मेथड। अब तीसरा वाला, अनग्रुप डेटा में स्टेप डेविएशन। चलिए ये मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है यहाँ पे, अनग्रुप डेटा में मुझे करना आपकी बार स्टेप डेविएशन, फाइन। स्टेप डेविएशन में क्या होगा, आपको कॉमन डिफरेंस भी लेना है, मतलब आप निकालोगे d इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन c, x माइनस a अपॉन c आपको लेना है यहाँ पे। चलिए मैंने a ले लिया है सपोज 30, आप कुछ भी लो चलेगा, कुछ भी लो चलेगा, हर वीडियो में हर बार 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 रिपीट नहीं करूंगा मैं, राइट, कुछ भी लो चलेगा। मैंने a ले लिया है 30, चलिए मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस 3, और मैं c ले रहा हूँ, सॉरी मैं c बताना भूल गया, मैंने c ले लिया है 5, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है सारे के सारे नंबर 5 के टेबल में जा रहे हैं, ओके। चलो सो 15 माइनस 30 इज 15, डिवाइडेड बाय 5 इज 3, और माइनस में आंसर आएगा, राइट, क्योंकि x छोटा है a बड़ा है, जब कभी भी x छोटा हो a बड़ा हो मतलब आंसर माइनस में आएगा, और वाइस वर्सा सिचुएशन में आंसर प्लस आएगा। सो सेकेंड केस में माइनस 1, थर्ड केस में माइनस 2, फोर्थ केस में 1, देन 0, देन 2, देन 5 एंड देन 4, जहां तक मुझे लग रहा है माइनस 3, माइनस 1, 2, मतलब इधर आ जाएगा माइनस 6, और 5, 4, 9, 10, 11, 12, इधर आ जाएगा प्लस 12, माय टोटल गोज टू 6, मेरा टोटल आ गया 6। फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n इंटू c, बस स्टेप डेविएशन में इंटू c कंपल्सरी आता है, राइट। a क्या है मेरा 30, सिग्मा डी क्या है मेरा 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 5, 30 प्लस 6 बाय 8 इनटू 5, मैंने आंसर सॉल्व किया हुआ है, दैट इज 33.75, दिस इज माय फाइनल आंसर। आप आराम से कंप्यूट करो, कोई जल्दी नहीं है, यही आंसर आने वाला है, 100% आपका आंसर आएगा 33.75। दिस इज माई थर्ड वन, ये मेरा तीसरा वाला हो जाता है बड़ा ही सिंपल तरीके से। मैंने आपको अनग्रुप के तीनों फॉर्मूले सिखा दिए, मैंने कहा था बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको, करते जाओ, खाली मेरे साथ साथ जो जो सब मैं कर रहा हूं बुक लो, कॉपी करते रहो, पॉज करो, क्वेश्चन देख के खुद सॉल्व करो, फिर वापस से वीडियो प्ले करके आंसर्स देखो, क्या आपने वही किया है जो मैंने किया है, अगर यस तो मेरी तरफ से अपने पीठ थपथपा लो, सर अच्छा जा रहे हो आप लोग, बढ़िया करो, यू पीपल आर डूइंग गुड, राइट, आगे बढ़ते रहना, मेरा पीछा मत छोड़ना। नेक्स्ट वन,
अब हमने अनग्रुप डेटा फिनिश कर दिया, अब हमें करना है डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, जहां पे एक एक ऑब्जर्वेशन के सामने 1, 2, 3, 4 एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसे कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। जहां पे फ्रीक्वेंसी होगी बट ऑब्जर्वेशन होते हैं, क्लास नहीं होती है। डिस्क्रीट में भी वापस से 3 फॉर्मूले आएंगे हमारे। चालू करते हैं भैया डिस्क्रीट सीरीज। हमने हमारे फॉर्मूले लिखे रखे हैं यहाँ पे, हमने हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा का पूरा सेट करके रखा है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। पहले डायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि आपको करना है एफ को मल्टीप्लाई बाई एक्स, राइट? अगर नंबर्स बड़े बड़े तो बड़ा जोर पड़ता है, मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत सारी है। देर आर मेनी यू चांसेस कि आप गलती कर सकते हो, इसलिए फोकस। ओके चलिए, एफ इंटू एक्स करना है, मतलब आपको सारे ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना है, राइट? सो हमको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 11 3 33, 12 5 60 13 7 90 1 14 9 126 15 10 128 17 6 102 and last answer is 54 my total goes to 744 and total of frequency is 51। करना आप आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे आपका आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी का 51। मैंने सब ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया, एफएक्स कैसे निकालूंगा, x into fi करूंगा तो आपको fx मिल जाएगा, राइट? सबको मल्टीप्लाई करो, 11 into 3 33 12 into 5 66 एंड सो ऑन। फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, दैट इज x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, बट ध्यान देना हियर n इज इक्वल टू सिग्मा f। जहां पे भी फ्रीक्वेंसी होती है वहां पे n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो गलती मत करना, गलती मत करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, डोंट डू एनी मिस्टेक। ध्यान रखना जहां फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे एन मतलब होता है सिग्मा एफ। चलिए फॉर्मूला पुट करूंगा, सिग्मा एफ एक्स इज 744 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 51। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा मेरा आंसर लगभग लगभग आने वाला है 14.59, दैट वुड बी एक्स बार माई फाइनल आंसर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभार क्या होता है हमारे आंसर्स बहुत एब्सर्ड आते हैं बट आपको आपके लेवल पे पता नहीं चलता है कि वो सही है कि गलत है। ऑनेस्टली देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग कि आपका आंसर परफेक्टली राइट है या नहीं है, बट अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो शायद आपको पता चल जाएगा। कैसे? हमेशा से मेन का आंसर ऑब्जर्वेशन के बीच में होगा, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन 11 और 18 है, मतलब मेरा आंसर कहीं ना कहीं 11 और 18 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका आंसर 19, 20, 25, 100 आ रहा है, मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑब्जर्वेशन वुड ऑलवेज बी बिटवीन द रेंज 11 और 18 के बीच का ही कोई नंबर होगा। मेरा आंसर है 14.59, ओके इट कैन बी राइट, आई एम नॉट सेइंग 100% राइट है, बट यस इट कैन बी राइट। बट अगर मेरा आंसर 19 आया, 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, हो ही नहीं सकता। 11 से 18 के बीच का ही आंसर होना ही होना है, राइट? सो ये थोड़ा सा एक तरीका है ये जानने का कि कहीं आपने कोई एब्सर्ड से मिस्टेक करके आंसर आउट ऑफ द रेंज लेके नहीं चले गए, राइट? सो दिस वॉज माई फर्स्ट मेथड ऑफ डिस्क्रीट, राइट? डिस्क्रीट का हमने पहला मेथड किया, दैट इज डायरेक्ट मेथड। टोटल हमारा सम नंबर 4 है, ओके? अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्क्रीट में, बाकी के दो मेथड्स और हैं, शॉर्टकट और स्टेप डिविजन। आगे बढ़ेंगे सेकंड वाले पे, दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है भैया, हमें एक्स भी दे रखा है, हमें एफ भी दे रखा है। सबसे पहले हमें निकालना है डी। वापस से मैंने कहा था डी आप चाहो जो लो, आपको एक्स में से ए को माइनस करना है। मैंने ए यहाँ पे अज्यूम कर लिया है 10, आपको जो अच्छा लगे करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सॉल्व करूंगा तो -6 -4 -2 0 2 6 8। अब मैं करूंगा f इंटू डी। ध्यान रखना अब आपको f को d से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24 8 4 32 12 2 24 0। ध्यान रखना f को d से मल्टीप्लाई करना है, गलती से f और x x को या d और x को मल्टीप्लाई मत कर देना। फॉर्मूले पे ध्यान देना, f इंटू डी है, सो f और x मत कर देना गलती से भी, प्लीज मत कर देना कुछ भी, राइट? आगे बढ़ेंगे, 10 2 20 6 9 54 and 7 8 7 7 49 7 8 56, राइट? सो हमने किया है 20 54 और 56 का टोटल, इनका 3 का टोटल कर लो, इन 3 का टोटल कर लो, दोनों को माइनस कर लेंगे, ऊपर वाले 3 का टोटल आएगा 80 और नीचे वाला आएगा 130, सो दिस इज -80, दिस इज +130, नेट आ जाएगा 50, ओके? और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको करना पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल लगभग लगभग आने वाला है 61, ओके? सॉल्व करेंगे, सो मेरा फॉर्मूला वापस से याद दिलाता हूं मैं आपको, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन
एन, एंड एन मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, डोंट मेक मिस्टेक्स राइट। ए हो जाएगा मेरा 10, सिग्मा एफ डी आ गया मेरा 50 और एन आ गया मेरा 61। सिग्मा एफ डी आ गया 50, एन आ गया 61। सॉल्व करने पे आपको नेट आंसर आने वाला है 10.52 लगभग लगभग राइट, 10.82 लगभग लगभग आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ भी रीजन से गलती नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर यही रहना चाहिए। दिस इज माई सेकेंड मेथड। हमने 5 सम कर लिया अभी तक और एक तरह से आप 50% चैप्टर कर चुके हो। अरिथमेटिक मीन का आपका 50% टॉपिक हो गया मजाक मजाक में राइट। सो ये था मेरा शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट का लास्ट मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन। मैंने कहा था स्टेप डेविएशन मतलब इनटू सी, और कुछ नहीं है, आपको इनटू सी करना पड़ेगा क्योंकि इनटू सी मतलब कॉमन डिफरेंस आ ही जाता है स्टेप डेविएशन के अंदर, तो गलती नहीं करेंगे हम स्टेप डेविएशन में, इनटू सी करना नहीं भूलेंगे। आते हैं सम नंबर 6 पे, यहां पे हमें इनटू सी करना पेंडिंग है तो हम करेंगे, बट आपको देखना पड़ेगा आपके ऑब्जर्वेशन में कॉमन डिफरेंस कुछ है तो ही आप इनटू सी करोगे। मतलब आपके पास एक कॉमन नंबर होना चाहिए जो आपके सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में डिवाइड हो सके, और यहां पे तो हमें इजीली दिख रहा है इट्स 5, अंधे को भी पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, तो हम लेने वाले हैं x बार इज इक्वल टू, सॉरी d इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन c, d इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन c। तो यहां पे मेरा c तो मुझे पता चल गया है कि भैया आपका c तो होने वाला है 5, तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे मेरा c हो गया 5 राइट। a मैं चाहूं जो ले सकता हूं, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं चाहूं तो 20 ले लेता हूं। चलिए तो मैंने a ले लिया है मेरा 20। सॉल्व करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ओके। सो मैंने क्या किया है, 5 में से 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा -3। वापस 10 में से 20 माइनस -10 डिवाइडेड बाई 5 तो -2। सॉल्व करना, ये पूरा कॉलम बन जाएगा। देन आपको करना है f इंटू डी, तो 15 3 5 3 -15 7 2 -14 -9 0 10 16 6 3 24 और 12 ओके 10 16 24 sorry 6 3 18 and 4 3 12 ओके। अब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो 10 16 18 और 12 को प्लस करने में आने वाला है 56, ये प्लस में है, और 15 19 इधर आ जाएगा 38, ये आएगा माइनस में है। 56 में से 38 माइनस करेंगे, हमारा नेट आंसर बचेगा 18 और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा 59 ओके। सॉल्व करेंगे वापस से सम को इजीली, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d अपॉन n, अब की बार इनटू c क्योंकि स्टेप डेविएशन है और हमने c से सबको डिवाइड किया है, जिससे डिवाइड करे उसे वापस से मल्टीप्लाई कर दो, मजा आ जाएगी राइट। सो a कितना हो जाएगा 20, सिग्मा f d आ गया 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 59 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। आपको फिर से कैलकुलेटर को यूज करके या अपने कैलकुलेशन मेथड्स को यूज करके सीबीएसई वालों राइट, आपको इसका आंसर निकालना, और आपका आंसर आएगा लगभग लगभग 21.52 समथिंग या 53 समथिंग राइट। सो दिस इज माय थर्ड मेथड, और इसके साथ में भैया मैंने डिस्क्रीट डेटा पूरा फिनिश कर दिया है, अब खाली एक ही टॉपिक बाकी है, दैट इज कंटीन्यूअस डेटा। जब हमारे पास क्लासेस होगी तो क्या करना है, एंड सच सच बताऊं क्लासेस और डिस्क्रीट में कोई भी फर्क नहीं है, खाली क्लास में आपको क्लास को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, वो मिड वैल्यू हो जाता है आपका एक्स, सेम एज डिस्क्रीट, सेम एज डिस्क्रीट, कुछ भी नया नहीं है, सेम एज डिस्क्रीट, खाली मिड वैल्यू को एक्स बना दो, बाकी काम खत्म, काम तमाम, कुछ नहीं करना है आपको। सो एक तरह से तो यहाँ चैप्टर हो गया है, बट इतना जल्दी मत करो, देख लेते आगे, बैठे ही है 5 मिनट और लगेगा, आगे बढ़ेंगे। दैट इज कंटीन्यूअस डेटा, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, मुझे ये मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बड़े लंबे लंबे कैलकुलेशंस होता है, कैलकुलेटर हो हाथ में तो बात अलग है, वरना बड़ी मेहनत वाला काम है राइट, तो भी करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। हम निकालेंगे सबसे पहले एक्स, और यहाँ पे एक्स होता है हमारा मिड वैल्यू राइट, डिवाइड करते जाते हैं, मिड वैल्यू निकालना आपको आता है लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास किया हुआ है, आपको करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत पेशेंस से करना, गड़बड़ी मत करना। सो 5 टेन जा 50, देन 195, देन 425, देन 560, देन 675 एंड लास्ट वन इज 770, टोटल आ जाएगा आपका 2675। बहुत भारी कैलकुलेशन है, सब बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं ये मेथड जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता, और अगर इतने बड़े नंबर्स हो तो मैं कोई हालत में नहीं करूं, मैं हमेशा से शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन पे ही जाना प्रेफर करता हूं। बट ठीक है, जैसे कि मुझे आपको मेथड सिखाना है तो कर लेते हैं राइट। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आने वाली है 85, अब तो वही बच्चों वाला सम, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन,
जहां पे सिग्मा एफ एक्स हो जाता है 2675, एन मेरा हो गया 85, डिवाइड करने पे आंसर आ गया 31.47, दैट इज माई एक्स बार, मेरा आंसर आ गया 31.47। बहुत भारी कैलकुलेशन है इसके अंदर, बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर एग्जाम में वैसे मोस्टली क्या होता है, एग्जामिनर कभी बोलेगा नहीं आपको कि यूज दिस मेथड ओनली, नो, वो आपको सम देंगे, आपको जो अच्छा लगता है करो, बट कभी कभार कुछ स्कूल क्रिएटिव बन जाती है यार, आपको परेशान करने के लिए दे यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेक्निक्स टू मेक द पेपर टफ राइट या लेंथी, तो वो लोग आपको कभी कभार स्पेसिफिक बोल देंगे यूज स्टेप डेविएशन मेथड या यूज शॉर्टकट मेथड या यूज डायरेक्ट मेथड, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आपको बड़ी कैलकुलेशन से भी गुजरना पड़ता है। वरना अगर कुछ नहीं कहा हो और आपके एक्स इतने बड़े बड़े और एक कॉमन दिख रहा है सब में 5-5 कॉमन या 10-10 कॉमन आपको दिख रहा है, देन ऑलवेज यूज स्टेप डेविएशन मेथड या एटलीस्ट शॉर्टकट तो यूज करो यार, ये तो करना ही नहीं चाहिए राइट। बट जैसे कि मैंने कहा, अगर एग्जामिनर आपको दे ही दे कि भैया डायरेक्ट मेथड करना है, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा सेवेंथ, दो ही क्वेश्चन दूर है, लास्ट तक बैठे रहो, उठने का नहीं कभी भी। देखो हमेशा से पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। हम सोचते हैं हमको आता है, चलना क्या देखना, दैट इज अ रॉन्ग थिंग राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ चीज होती है जो आप कभी ना कभी मिस करते हो, और जो शायद मैं आपको लास्ट में बता पाता हूं या बीच में कभी बता के छोड़ देता हूं राइट। सो इसलिए कभी भी मेरे साथ पढ़ो तो नेवर लीव मी इन बिटवीन, लास्ट तक मेरे साथ टिक के बैठे रहो, 100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा राइट एनफ। आगे बढ़ेंगे, सो ये था मेरा सेवेंथ क्वेश्चन, मूविंग फर्दर टू द एट्थ वन। हमने सेवेंथ में देखा था डायरेक्ट मेथड, मेरा सबसे सबसे हेटरेड मेथड, मैं उस मेथड को कभी प्रीफर करता ही नहीं हूं, आगे वाले दोनों मेथड मुझे अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हो गया शॉर्टकट मेथड, उसके बाद में हो जाता है स्टेप डेविएशन, दो ही मेथड और चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट मेथड के साथ में, करना वही है सेम, सबसे पहले आप निकालोगे एक्स, और जहां पर एक्स मतलब होता है मिड वैल्यू राइट, सो इधर हो जाएगा 10 30 50 70 90 110, क्या बात है, बहुत बढ़िया नंबर आ गए। अब मुझे निकालना पड़ेगा डी, डी में मैं इसको ले लेता हूं मेरा ए, भैया ये हो गया ए, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहां पे आप सी भी कर सकते हो बट फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा राइट। सो इधर आ जाएगा -40 -20 0 20 40 and 60। अब मुझे करना है एफ डी, तो मल्टीप्लाई करना है, वैसे तो बड़े डिफिकल्टी होंगे जीरो वाले नंबर्स, इसलिए तो 3 4 12 दैट इज -120 -100 जीरो, फिर गलती मत करना, एफ को डी से करना है, तो 11 × 2 220 13 × 3 520 एंड 7 6 42, सो ये है 100, तो इनको प्लस करने पे आएगा -220 और इन तीनों को प्लस करने पे आना है 1160 और नेट आने वाला है 940, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेरी 48 राइट इनफ। अब आपको आता है यार, बड़ा ही सिंपल सा काम है, अब तो कुछ करना नहीं मेजरली, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, जहां पे a हो जाता है 50, सिग्मा एफ डी हो गया 940 और n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है 48। सॉल्व करने पे आपका नेट आंसर आने वाला है 69.58, ये आपका नेट आंसर रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर नेट आंसर, क्या बात है, बहुत लंबे तक आगे हम लोग, आखिरी मेथड बचा है, हमने शॉर्टकट भी फिनिश कर दिया है, आप आराम से अपना टाइम लो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को पूछते जाओ, मैं कभी ना कभी अगले अपने वीडियो में किसी ना तरह से आपके उन क्वेश्चंस का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं राइट। सो बिना भूले अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को, आपको अच्छा लगा है कमेंट में लिखो, नहीं अच्छा लगा इश्यूज है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया सजेशंस है, आपको कुछ और डाउट्स है, कुछ नया टॉपिक आपको लग रहा है कि मैं आपको सिखाऊं तो आपको और बेहतर लगेगा, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द सेम इन कमेंट राइट, आराम से लिखो, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ टाइम बाद में आपको स्टैट्स कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली ये देखो खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा राइट। और मैं बहुत जल्द आपके नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियोस लाने वाला हूं, सो मेरे साथ जुड़े रहना राइट। आगे बढ़ेंगे, नाउ लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो राइट, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए जो वेटेड कंबाइंड वाले टॉपिक थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, इसमें लास्ट टॉपिक करा के मैं आपको आज के लिए अलविदा करने की सोच रहा हूं, देखते हैं क्या करते हैं राइट। चलिए वापस से हमें क्लासेस दे रखी है भैया, हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, एज यूजुअल हमें निकालना है सबसे पहले एक्स दैट इज मिड वैल्यू राइट, पहले वो निकालेंगे, तो इधर आ जाएगा 50 150 250 350 450 एंड 550, फिर वापस से मुझे निकालना पड़ेगा डी, मतलब होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। आप ऑब्जर्व करोगे कि सब में डिफरेंस 100 का है, तो आप सी को आराम से 100 ले सकते हो राइट, और मैं ए ले लूंगा भाई 250, ये हो गया मेरा ए,
सॉल्व करते हैं तो 50 माइनस 250 इज माइनस 200 डिवाइड बाय 100, तो मैंने सी लिया है 100 राइट, तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3. नेक्स्ट कॉलम इज माय एफडी, करते हैं भैया एफडी, 15 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, दैट इज माइनस 30 माइनस 22 0 17 20 एंड 8 3 इज 24. अगर आप सब प्लस वालों को प्लस करोगे तो आएगा आपका आंसर 61 और नेगेटिव वालों को करोगे तो माइनस 52, नेट करने जाओगे तो आ जाएगा 9. अब तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सम खत्म हो जाता है यहाँ पे हमारा. चलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला पुट करूंगा, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, बिकॉज दिस इज स्टेप डिविजन मेथड, तो इंटू सी करना हम नहीं भूलेंगे. सो मेरा ए हो जाएगा 250, सिग्मा एफ डी हो जाता है 9, एन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज मेरी कितनी है, मेरी फ्रीक्वेंसीज टोटल है 97 और एन सॉरी कॉमन डिफरेंस है मेरा 100 का. सॉल्व करोगे पूरे के पूरे 9 इनटू 100 दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 97 और उसमें प्लस 250 कर दोगे तो आपका नेट आंसर आने वाला है 259.28. दिस इज योर नेट फाइनल आंसर, दिस इज योर नेट फाइनल आंसर. क्या बात है सर, मेरे हिसाब से इससे क्विक इससे सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं सिखा सकता है. मैंने आपका पूरा का पूरा मीन का टॉपिक खत्म कर लिया, मतलब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू पीपल कैन से दैट सर मीन इज नॉट दैट मीन, इतना मीन नहीं यार, बड़ा मजा आया पढ़ने में राइट. फिर भी इसके अभी तक मैंने आपको बेसिक सम सिखाया सर, ये आपका लेवल वन है राइट. इसके एडवांस सम्स आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे, थोड़े से कुछ नए नए टॉपिक्स होंगे, जैसे कभी क्लास लेंथ कॉमन नहीं हो, कभी कभार कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, कभी कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं हो, आपको आइडेंटिफाई करनी हो, सो देयर कैन बी सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड क्वेश्चंस राइट. वो मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ राइट. और उसके लिए मैं सजेशंस आपसे चाहूंगा, सर मुझे ये क्वेश्चन बताओ राइट, आप मुझे बताओ आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं राइट, कि सर ये वाला प्लीज सॉल्व करके अगले वीडियो में जरूर बताएगा, मजा आएगा. अगर आपको आ भी गया हो तो भैया आपके दोस्तों के लिए बता दो कि सर इसको ये बताना, मुझे अच्छा लगेगा, ये वीडियो बहुत अच्छा है सर, पता चलना चाहिए लोगों को ये सम को कैसे करना, दिस इज अ न्यू टेक्निक राइट. सो हम कुछ नए वीडियोस करेंगे, कुछ नए सम्स करेंगे अपने अगले वीडियोस के अंदर राइट. सो जस्ट बने रहना, आज हमारा इतना ही रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे तक लोगों को बताते रहना कि हम स्टैट्स यहां से पढ़ रहे हैं राइट. इनफ, विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर द डे.